इन्फो जोन के मुअज्जज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमास ने मुसलमानों की खुशियां दुबला कर दी हैं। हमास ने इसराइल की मिलिट्री बेस उड़ा कर रख दी। हमास की जानिब से ऐसा बयान आया है कि खित्ते में सुपर पावर बनने के ख्वाब देखने वाले इसराइल की इज्जत खाक में मिल गई है। हमास दरअसल एक तरह की फलस्तीनी फौज है जो कि फलस्तीन में फलाई काम बढ़ चढ़ कर करती है, और यही फौज इसराइल के खिलाफ जिहाद करने में भी सबसे आगे है। बज़ाहिर इस छोटी सी फौज के पास इतने जदीद हथियार तो नहीं है, मगर जज्बे ईमानी ही इस फौज की सबसे बड़ी कुव्वत है। हमास के ग्रुप अल कसाम ब्रिगेड ने गजा शहर पर बमबारी के जवाब में तल अबीब के खिलाफ मिजाइल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमलों के इस नए सिलसिले में हमास इसराइल के फौजी अड्डों को निशाना बना रही है। ताज़ा तरीन इसराइली ज़राए के मुताबिक तल अबीब और बिन गुरियान एयरबेस पर खतरे के सायरन लगातार 5 घंटे बजते रहे। लगता है कि इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। अल जजीरा न्यूज ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि बिन गुरियान एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। लोग अफरा तफरी की हालत में इधर उधर भाग रहे हैं। आपको बताते चलें कि बिन गुरियान एयरपोर्ट इसराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को एयरबेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमास की जानिब से इसराइल की एयरबेसेस को नाकारा करने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमास के मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को भी नकारा बना दिया है। इसराइल में हमास के हमलों से शदीद खौफ हिरास का आलम है और इसराइली शहरी अपनी जानें बचाने के लिए जेर जमीन तहखानों में छुपते फिर रहे हैं।